सेंसिटिव चलवा है, 10 दिन से इसकी तैयारी सबको पता है। सुरेश हम लोग सब है और 500 के करीब या प्रशिक्षण लेने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जानबूझकर उनको यहाँ आना और यहाँ आकर और विवाद करना, और विवाद करने के पीछे मकसद ये है कि जब 500 लोग इकट्ठे हुए हैं तो मैं अकेला जाकर और कुछ ना कुछ विवाद करूँ दो तीन लोगों के साथ में, जैसे ही विवाद बढ़े और मैं लोगों की दुनिया को ये बताऊँ कि मेरे साथ है ठीक है। भारतीय जनता पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के प्रधान के खिलाफ लाया, हम लोगों को तो ये निर्णय करना है कि ये अविश्वास प्रस्ताव के अंदर कांग्रेस के जो पंचायत समिति सदस्य हैं वो अब मत काम है। अभी तक तो हम लोगों ने ये भी तय नहीं किया, पर सिर्फ है जब उन्होंने पूरी कोशिश करी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपने साथ नहीं मिला पाए तो इस असफलता के अंदर विवाद कैसे हो सके। विवाद के मकसद से ही पूरी की पूरी बात है। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक तय भी नहीं किया कि अविश्वास प्रस्ताव के अंदर भाग लेंगे या नहीं लेंगे, भाग लेंगे तो हम किसको मत देंगे, ये भी बात अभी तक तय नहीं करी। तो उनका मकसद क्या है, हम लोग कोई भी अपना कार्यक्रम करता है और 500 लोगों के सामने दो पांच जने आकर इस तरह का विवाद करे और ये वो उकसाना है कि किसी तरह से ये कुछ दुर्घटना, मुझे जैसे ही ये पता चला मैं यही था, मैंने सब लोगों को रोका, मैंने कहा कि नहीं इनका मकसद ये है कि विवाद करे और कितना भी दुर्घटना हो तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर नहीं है उनके सहयोगी ही पर। और अगर अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो कौन बनेगा, कोई भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधान को ही चार्ज दिया जाएगा, कांग्रेस पार्टी को तो किसी सदस्य को प्रधान का चार्ज दिया नहीं जाएगा,